गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ की टीचर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मैं आपको चैप्टर 2 नंबर अप टू 10, चैप्टर का जो नेम है नंबर अप टू 10 मतलब 1 to 10, आप इस चैप्टर में नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहेंगे 1 O N E 1 लिखा हुआ है। 1 cat मतलब एक बिल्ली, 1 finger मतलब एक उंगली। सो 1 finger लाइक इन द पिक्चर, इसमें जो 1 finger शो हो रहा है ना, प्रैक्टिस राइटिंग 1। यहाँ पे जो भी है उसको 1 लिखने का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप इस तरह से अपना पेंसिल उठाएंगे और अपने बुक में 1 लिखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। 1, ओके 1। इस तरह से आप इसको जितने भी फिलअप खाली बॉक्स है वो सारे बॉक्स को आप फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आपका है 2, T W O 2, 2 finger मतलब 2 उंगली। 2 ice cream मतलब 2 ice cream, प्रैक्टिस राइटिंग। आप लोग यहाँ पे 2 लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल अपना उठाएंगे, कर्व लाइन देखकर आप यहाँ पे इसको 2 कंप्लीट करेंगे। देख रहे होंगे मैं आपको कैसे लिखकर बता रही हूँ। इसी तरह आप स्क्वायर बॉक्स में 2 लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग तो बुक खरीद ही लिए होंगे, आप लोग इसको इस तरह से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट 3, THR EE 3। आप देख रहे होंगे यहाँ 3 digit लिखा हुआ है और 3 number name भी लिखा हुआ है। 3 finger 1 2 3, 3 finger 3 boots 1 2 3 मतलब 3 9। फिर हम लोग यहाँ पे 3 लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। 3, इस तरह से आप इसको स्क्वायर बॉक्स में 3 लिखेंगे। जितने भी खाली बॉक्सेज है आप उस सारे बॉक्स को भरोगे, लिखकर प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 4 पे, F O U R, 4, 4 का डिजिट भी लिखा हुआ है और 4 नंबर नेम भी लिखा हुआ है। 4 finger 1 2 3 4, 4 finger 1 2 3 4, 4 mice मतलब चूहे। हम लोग यहाँ पे 4 लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। 4, नेक्स्ट देखेंगे कि हम यहाँ पे 4 कैसे लिख रहे हैं। उसी तरह आप अपने बुक में इसको भरेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 digit, 5, FIVE 5। आप लोग साथ साथ इसका नंबर नेम भी पढ़ते चलेंगे, ताकि मैंने आपको पिछले क्लास में नंबर नेम क्लियर कर चुकी हूँ, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। 5 finger, आप लोग अपने हाथ में भी फिंगर को काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5, 5 finger 1 2 3 4 5, 5 aeroplane। यहाँ जितने भी एरोप्लेन हैं कितने हैं, 5। तो हम लोग यहाँ पे फिर 5 लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। 5, कोशिश करेंगे कि बॉक्स के अंदर ही लिखे, बाहर ना निकले हमारा। देखा आप लोगों ने, इसी तरह आप लोग के पास बुक अवेलेबल ही होगा। नहीं अवेलेबल है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमारा बुक खरीदे, ताकि जो भी वर्क हमारे टीचर दे रही हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर सके। तो मैंने यहाँ आपको 1 to 5 नंबर नेम पढ़ाया भी, प्लस बताया भी कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। उसी तरह आप अपने बुक में उसको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।